गांव से दूर करीब 1.5 किलोमीटर दूर देखने पर एक बेहद ही पुराना इस्लामिक ढांचा दिखाई देता है और आज हम लोग वहां जाने वाले हैं। और अच्छी बात यह है कि हम लोगों को वहां तक पहुंचने के लिए खेत के मैदानों से होकर चलना होगा। पर यह क्या, यहां तो एक नदी भी है और इसमें पानी भी है, पर पानी का स्तर बहुत कम है और जल प्राणी मछलियों का हलचल भी है। नदी सूखी हुई है, मतलब नदी के कुछ हिस्सों तक ही पानी है। पर हमें उस टीले तक जाना है जहां हम आपको उसके राज बताने वाले हैं, जो 150 साल पहले बने जमीन से 50 फीट की ऊंचाई पर यह इस्लामिक ढांचा लगभग 5 एकड़ में फैला हुआ है। चारों तरफ उपजाऊ व चिकनी मिट्टी है जहां की भौगोलिक परिस्थिति खेती करने के लायक है। इस इस्लामिक ढांचा तक पहुंचने के लिए जमीनी स्तर से पगडंडी के माध्यम से आप किसी भी दिशा से पहुंच सकते हैं, पर इस इस्लामिक ढांचा के अंदर जाने के लिए पूर्व दिशा से गेट से होकर आप जा सकते हैं। इस कंक्रीट युक्त टीले पर एक बेहद पुराना कुआं है जिसकी लोगों की मान्यता है इस कुएं में देखने पर आपको एक अदृश्य शक्ति खींच लेगी। और परिणाम यह हुआ, जाते तो थे पर कुएं की तरफ कोई नहीं देखता था। इसी दबे हुए राज को हम खोलने वाले हैं। हम और गांव के कुछ स्थानीय लोग के साथ दबे हुए कुएं के राज को खोलने के लिए चल दिए। जब हम इसके करीब पहुंचते हैं, किसी सूखे घास की झाड़ियों के समूह को आप देख सकते हैं। ये झाड़ियां चारों तरफ इस्लामिक ढांचा व इस टीले के चारों तरफ फैला हुआ है। हम लोग बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। आप देख रहे होंगे यह टीला बहुत पुराना लग रहा होगा। यहाँ पुराने समय के ईंटों पत्थरों का टूटा हुआ देख सकते हैं। इस टूटे फूटे ईंट और खपड़ों से यह लगता है कि पहले यहाँ पर टीले पर लोगों का निवास रहता था, पर किसी विषम परिस्थिति काल में छोड़कर जाना पड़ा। हम लोग बिल्कुल करीब पहुंच आए हैं। देखिए आप, ये 150 साल से बना हुआ बहुत पुराना मस्जिद है। यहाँ पे चारों तरफ किसी खास प्रकार की घास ही घास है। हम लोग मस्जिद के और उस क्षेत्रफल के अंदर आ गए हैं। यहाँ पे आधुनिक बिल्डरों ने इसका नवीनीकरण कर दिया है और इसी हाथी के अंदर बैठ करके सभी मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। शाम ढलने को है, हमें घर भी जाना है। हम आपको ले चलते हैं उसी पुराने कुएं के पास। देखिए, इसी कुएं के बारे में मिथक, भ्रमित और झूठी कहानियां हैं कि इसको देखने पर एक अदृश्य शक्ति आपको अंदर खींच लेगी, जो कि यहाँ बिल्कुल सरासर गलत है। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष। हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।